दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता? ऐसा कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी भी लाइफस्टाइल हो? कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा बैग मैनर्स हो और अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो? अर्थात लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाए कि पैसों की किल्लत की वजह से कभी हमको कोई प्रॉब्लम ना आए, पैसों की वजह से हमें किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े, और कम से कम तो पैसों की वजह से हमारे सपने ख्वाब अधूरे न रहे। फिर क्या कारण है ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हार्डवर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते? आखिर रीजन क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला अगला बंदा हमसे अमीर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पैसा कमाना या अमीर बनना जरूरी क्यों है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा जीवन जीने और परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसों की जरूरत होती ही है। यानी पैसों की समस्या केवल चैन से जीने नहीं बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। पैसा न होने की वजह से एक लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। पैसा न होने की वजह से ही अच्छे कपड़े, पढ़ाई, अच्छे खाने से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पैसा न होने की वजह से ही हमें नाकारा कहा जाता है और इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में अगर एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना है तो अमीर तो बनना ही पड़ेगा। तो क्यों ना पैसों के बारे में सीखकर और जानकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और एक कामयाब इंसान बना जाए। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पाते, जबकि अगले बंदे के पास वो सब कुछ है जो एक जिंदगी जीने के लिए चाहिए। आखिर मौका तो संविधान ने सबको दिया है अमीर बनने का, तो क्या कारण है हमारे साथ का कोई और बंदा पैसा वाला बन गया और मैं आलस वाला? आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाला इंसान बन पाए, जो सब कुछ हासिल कर पाए जो हमारे लिए अभी तक सपना था। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में अमीर और गरीब की तुलना नहीं बल्कि अमीर और गरीब माइंडसेट की हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब के घर में भी अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला बन जाए, और अमीर के घर में गरीब माइंडसेट का बंदा जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। तो इसलिए इसे केवल माइंडसेट का डिफरेंस समझिएगा। तो बने रहना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर। एक, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं, और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सुनील और पंकज नाम के दो बंदे थे जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते थे। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज्यादा लकड़ियां होती थी। वह उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाता है। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदों को काम भी दिया। इसलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देखरेख ही करनी थी।
धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना ही होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है रिस्क माइंडसेट। दो रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है, क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल भी हो गया तो कम से कम सीखने तो मिलेगा, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चलिए तीसरे माइंडसेट को समझते हैं। तीन लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी न तो बुक पढ़ता है और न ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीनों तक तो बिना सैलरी के भी काम करता है। उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ बुक्स पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते थे। चार इन्वेस्टिंग माइंडसेट। चौथा जो माइंडसेट है अमीरों के पास वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का। एक अमीर माइंडसेट बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वह अपने पैसों को नए स्किल, नए आइडियाज, नए बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी गाढ़ी कमाई महंगी चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपने शौक की चीजों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्चों को बंद करके बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने या कहीं उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से अच्छा रिटर्न मिले। पांचवा और आखिरी माइंडसेट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब भी क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है। वह उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप एक भी रुपया देंगे तो वह उसे 100 रुपया बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो बंदे होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी दे देंगे तो ज्यादातर चांस है कि वे उस पैसे को फालतू की चीजों जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। इसलिए अगर अमीर इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, बिल्कुल पंकज की तरह, क्योंकि जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वह बड़ा कर नहीं सकता। इसलिए बिंद्रा सर भी कहते हैं, छोटी सोच पैर की मोच, इंसान को दूर जाने नहीं देती। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस वीडियो से जो भी हमने जाना उसे अमल में लाएंगे और अपने फाइनेंशियली फ्री की जर्नी को शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो अभी वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ऐसे और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।